लोकसभा के चुनाव सामने हैं और महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग की गूंज हर जगह सुनी जा सकती है। गांव-गांव में लोग अपने जाति और जाति अस्मिता की बात कर रहे हैं। आजाद भारत में पिछड़ेपन के पैमाने पर जातियों के आरक्षण का मुद्दा हमेशा से छाया रहा है, लेकिन अब समाज में दरार पैदा करने के लिए इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। माहौल बदल गया है। अगर मैं आपके हिस्से से कुछ लेना चाहूं तो आपको तकलीफ होगी। उसी तरह अगर हम लोग उनके कोटे में से आरक्षण की मांग करते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। उनकी जगह हम भी होते तो हम भी ऐसे ही सोचते। पिछले 6 महीनों में मराठा आरक्षण के मुद्दे ने उग्र रूप धारण कर लिया है और इसका असर गांव में भी देखा जा सकता है। इसने अब मराठों और पिछड़ी जातियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार ने मराठाओं को अलग से 10% आरक्षण देने का फैसला किया, लेकिन मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठों की मांग है कि उन्हें ओबीसी कैटेगरी में रखा जाए। हमने अहमदनगर और बीड जिलों का दौरा किया। यहां मराठे, ओबीसी और धनगर जैसी नोमैडिक ट्राइब्स के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। जब हम गांव वालों से बात करते हैं तो इन आंदोलनों का असर उनकी रोजमर्रा के जीवन पर भी साफ दिखाई देता है। सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। हम सभी पहले खुलकर अपनी बात कहते थे, लेकिन अब हमें कुछ कहने से पहले सोचना पड़ता है। पहले जिनका आपस में नहीं बनता था वो भी जाति के नाम पर एक साथ आ रहे हैं। मराठा परिवार में जो पहले बटे हुए थे वो भी एक दूसरे के प्रति एकजुटता दिखा रहे हैं। गांव में दरारें पड़ गई हैं, वोटों का गणित बदल गया है। महाराष्ट्र में आरक्षण सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा। मराठा अपना वोट नहीं डालेंगे। उनका कहना है कि पहले रिजर्वेशन, उसके बाद इलेक्शन। जब हम बीड जिले के आष्टी में घूम रहे थे तो हर गांव के चौराहे पर लोग आरक्षण की बात कर रहे थे। कुछ गांव में मराठा ज्यादा हैं, तो कई ओबीसी बहुल गांव हैं। चिंचाला का ये गांव मराठाओं का कहा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि जमीन पर जातियों को लेकर मतभेद है। मराठा समाज के लोग नाराज हैं, ओबीसी लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। राजनेता लोगों को बांट रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति ही नहीं, लोगों के दिलो दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है। ज्यादातर मराठाओं को ये लगता है कि वो कहीं पीछे छूट गए हैं। हम लोग कहने के लिए उच्च जाति के जरूर हैं, लेकिन हम लोग खेती बाड़ी में ही फंसे हुए हैं। ओबीसी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उन्हें 1-2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है। महाराष्ट्र में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से समाज बटा हुआ है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। चिंचला से सटे काशेवाड़ी नाम का गाँव है। ये वंजारी जाति बहुल गाँव है जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। गांव वालों ने हमसे अपनी परेशानियों को साझा किया। मराठों को लगता है कि हम ओबीसी लोगों की वजह से उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमें भी ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ओबीसी में शामिल किया जाएगा तो हमें उनसे काफी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। पहले से ही ओबीसी में 375 जातियां हैं। अब अगर मराठे भी इसमें शामिल हो गए तो हमें उनसे कड़ी चुनौती मिलने का डर है। कुछ ही महीने पहले की बात है, शिरपुर जिले में पंचायत चुनाव थे। ओबीसी और मराठे बटे हुए थे। नतीजे आए तो ओबीसी जाति से आने वाले एक व्यक्ति सरपंच बन गए। इसका मतलब साफ है, सभी ओबीसी वोट उनको मिले। यहाँ पहले ऐसा नहीं था, अब गांव की राजनीति में भी ये सब किया जा रहा है। हम सभी लोग जो पहले हर अवसर पर एक साथ रहते थे, अब हम भी बट गए हैं। महाराष्ट्र में सत्ता के इस संघर्ष को पहले भी देखा गया है। पिछले कुछ वर्षों में हुए आर्थिक बदलाव ने समाज में उथल पुथल मचा दिया है और इस पर हो रही राजनीति ने हालात को और जटिल बना दिया है। जातीय संघर्ष, और अगर एक जाति के लोग तरक्की कर रहे हैं तो दूसरी जाति के लोगों में गुस्सा पनपना कोई नई बात नहीं है।
पहले भी इस तरह के हालात रहे हैं जिसने सामाजिक तनाव और झगड़े को जन्म दिया है। मराठों और ओबीसी लोगों के बीच मौजूदा संघर्ष भी इसी कारण है कि ओबीसी के लोगों ने काफी तरक्की की है और मराठे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज जो कुछ भी लड़ाई हो रही है उसके पीछे यही मानसिकता है। 2014 से पहले आप देखें तो ओबीसी लोग कभी भी मराठों के खिलाफ नहीं गए। मराठों ने जब रैली निकाली तो कुछ ओबीसी लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी शांतिपूर्ण थे। लेकिन आज मराठे और ओबीसी दोनों अपनी अपनी रैलियों में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ओबीसी एमएलए और एमपी बहुत आक्रामक हो गए हैं। वोटर चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग आपस में बट गए हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में यह बंटवारा दिखता है। दोस्तों में रिश्ते खराब हो गए हैं। आरक्षण की मांग को लेकर घर घर बट गए हैं और नफरत फैल रही है। निश्चित तौर पर इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ मराठों और ओबीसी के बीच की लड़ाई का ही मुद्दा नहीं है। कई दूसरी जातियों को भी लग रहा है कि विकास के दौड़ में वो कहीं पीछे छूट गई है। आरक्षण की उनकी मांग को राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन दे रही हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इन मांगों को और हवा दी जा रही है। मिसाल के तौर पर नोमैडिक ट्राइब्स के अंदर आने वाली धनगर जाति के लोग एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने मराठा हैं। मराठा समझ में मोटा है। मराठों की तादाद निश्चित तौर पर ज्यादा है, लेकिन हम धनगरों की आबादी भी कोई कम नहीं है। आज राजनीतिक और आर्थिक ताकत मराठों के हाथ में है। उन्हें सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन धनगरों को कुछ नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि उनके पास जो भी नहीं है उसको रिजर्वेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर राजनीतिक हिस्सेदारी। जब एसटी लिस्ट बनाई जाती है तब देश भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट से संपर्क किया जाता है। उन्होंने किसी को भी एसटी लिस्ट में शामिल किए जाने के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं, लेकिन जो किसी भी तरह इस पैमाने पर फिट नहीं होते वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। कुछ साल पहले वो एससी कैटेगरी की मांग कर रहे थे, फिर ओबीसी की। इसका मतलब है कि अगर आपको उधर से कुछ नहीं मिला तो आप उनको परेशान करने के लिए आ गए हैं जो पहले से ही बहुत दबे कुचले हैं। राजनीतिक पार्टियां इन जातियों को लुभाने की कोशिश कर रही है और इस क्रम में समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है और इसके लिए आरक्षण के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। और जब ये होता है तो जातियों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां धार्मिक ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाती है। मंडल कमंडल की राजनीति को हम सब ने देखा है। लेकिन अगर इस चुनाव में ये दरार और चौड़ी होती है तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसके प्रभाव को टाला नहीं जा सकता। मयूरेश कोंडूर, अहमदनगर, बीबीसी।